हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा प्राइम नंबर और नॉट, इसका कोड, इसको हम लोग दो सॉल्यूशन देखेंगे और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं क्विक इंट्रोडक्शन से। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका कोई भी फैक्टर नहीं हो, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, सिर्फ वन और वो जो नंबर है उसको उसी से डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके के नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब अ नंबर ग्रेटर देन वन डेट कैन नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर अदर देन वन और इटसेल्फ। मतलब एक वन और जो वो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 13, तो इस 13 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? या तो वन से या तो 13 खुद से। इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर से हम लोग 13 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टास्क है वो ये रहेगा कि इनपुट लेंगे हम लोग यूजर से कोई भी एक सिंगल नंबर, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 19, कोई भी इंटीजर, और हम लोग को प्रिंट कराना पड़ेगा, हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा वो ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब ये नंबर प्राइम है, जैसे कि 19 एक प्राइम नंबर है, तो ट्रू हम लोग को रिटर्न कराना पड़ेगा। और अगर प्राइम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 1, तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न कराना पड़ेगा। फॉर 1 के लिए हमें पता है कि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर 1 है तो हमें आउटपुट फॉल्स प्रिंट कराना पड़ेगा, और भी कोई दूसरे नंबर के लिए फॉल्स, अगर प्राइम है तो ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक इनपुट जो है इंटीजर इनपुट हम लोग एज एन आर्ग्यूमेंट लेंगे, और हम लोग रिटर्न क्या करा रहे हैं, हम लोग एक बुलियन टाइप का, जो बुलियन जो हम लोग रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा कोड है, यहाँ सिंपल सा कोड है, देखो बुलियन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा रहे। तो स्टैटिक बुलियन सॉल्यूशन नाम का मेथड बनाया है, और इंट एन जो है एक आर्गुमेंट ले रहे हैं इंटीजर टाइप का है, जिसका नाम है एन। अब क्या है, हम लोग को पता है 1 और 0, 0 और 1 जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2 प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि अगर एन जो है लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर देना है फॉल्स को, सिंपल, ठीक है। एन लेस देन इक्वल टू 1 है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, उससे ज्यादा है, तो फिर ये वाला लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एन इक्वल टू 10 के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे लूप चलेगा आई इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस तक। मतलब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, फिर 3 पे जाएगी, फिर 4, इस तरीके से कहां तक जाएगी, लेस देन एन, मतलब 9 तक जाएगी। एन की वैल्यू 10 है, लेस देन एन तक, यानी कि 9 तक जाएगी, क्योंकि इक्वल टू अगर कर देंगे ना, तो इक्वल टू वाला केस तो हिट कर ही जाएगा, मतलब वो नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है, इसे यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेना है, सिर्फ लेस देन। तो ये एन का एन इक्वल टू 10 है, आई की वैल्यू हमारी 2 से लेकर के 9 तक जा रही है। अब हम लोग हर एक आई के लिए चेक करेंगे कि एन डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो एन यहाँ पे क्या है, इफ n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, ये चीज चेक करेंगे। तो n क्या है, 10, मॉड्यूलो i का वैल्यू पहले क्या है, 2, इक्वल टू 0, करेक्ट, ये 0 है, तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा, मतलब बोल देगा जो n है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब मान लो n इक्वल टू अगर 11 ले ले, तो ये एक प्राइम नंबर है, तो अगर हम लोग चेक करें ना, i की वैल्यू ये भी जाएगी हमारी 2 से लेकर के इस बार 10 तक जाएगी, ठीक है। और हर एक आइटरेशन में चेक करेगी, जितना भी आइटरेशन रहेगा, क्या चेक करेगा कि n मॉड्यूलो i, मतलब 11 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है। फिर ये 11 मॉड्यूलो 3 के लिए चेक करेगा, ये भी नहीं है। इसी तरीके से 11 मॉड्यूलो 10 तक के लिए भी चेक होगा, ये भी 0 जो है नहीं है। तो ये हो क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न ट्रू कर देगा, मतलब ट्रू रिटर्न करना, मतलब n इक्वल्स टू जो 11 है वो हमारा प्राइम नंबर है, ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है, यहाँ पे इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, तो एक आइट्रेशन 1 से लेके n तक हम लोग n मानते हैं, ये एक आइट्रेशन कम हो गया, तो ऑर्डर ऑफ n-1, n-2, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो ये ऑर्डर ऑफ n के ही केस में आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ n वाला हमारा कोड है, लेकिन इससे भी हम लोग अच्छा कोड लिख सकते हैं प्राइम नंबर का। देखो हमने क्या किया, हम n इक्वल्स टू 11 ले रहे हैं, और i की वैल्यू जो आइटरेट कर रहे हैं ना, वो हम लोग 2, 3, 4 इस तरीके से ये 11 तक जाएगा। तो i की वैल्यू हम लोग जो आइटरेट कर रहे हैं, और हर बार i की वैल्यू 2 से लेके 11 तक हम लोग चेक कर रहे हैं कि n जो है हमारा मॉड्यूलो i इक्वल टू 0 है कि नहीं, तो कितना आइटरेशन हो रहा है, 2 से लेके हमें 11 तक चेक करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें सच में 11 तक यहाँ पे आइटरेट करने की जरूरत है, क्या हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अपना फैक्टर्स वाला, कि ऑल डिवाइजर्स वाला, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे तो किस तरीके से काम करेगा। हम लोग आइट्रेशन कम करते हैं और कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो जैसे एन इक्वल्स टू 18 के लिए अगर देखें, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे हमारे पास, ठीक है। एन 18 का फैक्टर्स होगा 1, 2, 3, उसके बाद होगा हमारे पास 6, 9 और 18, ठीक है। ये हमारे जो है एन इक्वल टू, ये आई हो जाएगा, ठीक है, आई मतलब फैक्टर्स। अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना,
जैसे ही यहाँ पे फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट, इसलिए हमें प्राइम है कि नहीं वो चेक करना है। अगर हम लोग एक भी फैक्टर निकाल लिए, जैसे n इक्वल टू 18 के लिए हम लोग अगर देख रहे हैं, तो हम लोग कितने नंबर ऑफ आइटरेशन कर रहे हैं, 2 से लेकर के पूरा का पूरा 17 तक, 2 से लेकर 17 तक। लेकिन हम लोग को इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं, हम लोग को हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग कोई एक भी फैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब आइटरेशन, ठीक है, यहाँ पे ये वर्स्ट केस में है, तो वर्स्ट केस को अगर कम करने का कोशिश करें तो कितने नंबर ऑफ आइटरेशन हम लोग और कम कर सकते हैं, जो भी एक मिल जाए। तो देखो आइटरेशन अगर करें तो हम लोग को यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये देखो हमेशा जो है ये एक दूसरे का पेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 × 18 करे तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 18 = 18, ठीक है। अगर हम लोग देखें 2 × 9, सो 2 × 9 अगर करेंगे तो ये भी 18 होगा। अगर हम लोग देखें 3 × 6, तो 3 × 6 करेंगे तो ये भी 18 होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं जो फैक्टर्स है वो हर एक दो दो करके पेयर बन रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आई एंड जे जो है वो हमारा फैक्टर है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये फैक्टर है। और i इंटू जे जो है वो इक्वल टू हो जाएगा n, इसका मतलब जो j है वो इक्वल टू है हमारा n बाई i, ठीक है। ये चीज है, हमें ये चीज हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये इसके अलावा हम लोग और क्या जानते हैं कि देखो i हमने निकाला है, अब n बाई i अगर निकाले तो इसको पहले रेस कर देते हैं। तो n इक्वल्स टू 18 के लिए जो हमारा i और n बाई i है वो क्या होगा, i हमारा फैक्टर है तो 1, 2, 3, 6, 9, 18 होगा। तो n बाई i क्या हो जा रहा है हमारा 18, 9, 6 देन 3, 2, फिर 1, ठीक है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं ना कि जो अगर मान लो देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा कोई एक भी फैक्टर आई है ना, हम लोग आई जो आइट्रेशन कर रहे हैं वो यहां से लेके पूरा यहां तक, पूरा नीचे तक कर रहे हैं, ठीक है, 18 तक। लेकिन हमें क्या है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1, 2, 3 इसमें से अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली एन बाई आई भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर कोई एन कोई भी नंबर के लिए अगर कोई भी आई यानी कि कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो एन बाई आई एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हमें वहां तक का चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम लोग ये वाला सिर्फ फर्स्ट पार्ट का ही आइट्रेशन कर लेंगे ना, यहाँ एन तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आइट्रेशन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका फैक्टर है या नहीं है, हमें इतना नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज हमने पहले भी देखा था। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए हम जानते हैं कि किस तरीके से जो आई है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू है, और जो सेकंड पार्ट है वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो हम लोग क्या कहां तक आइट्रेट करेंगे, जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन बाई आई है, मतलब आई हमारा लेस देन इक्वल टू एन बाई आई है, मतलब आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन, ये वाली चीज, मतलब आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये चीज, ठीक है, ये चीज हमने निकाला। मतलब अगर हम लोग आई लेस देन इक्वल टू एन नहीं करके आई लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एन कर दे तो भी हमारा जो है सही ठीक तरीके से हमारा कोड काम करेगा। मतलब हमें एन तक का आइट्रेट करने की जरूरत नहीं, रूट एन तक करें तो हमें पता चल जाएगा कि उसका जो रूट, मतलब उसका जो है कोई फैक्टर है कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग इसके नीचे जाएंगे तो वो क्या है, ये 698 क्या है, 698 जो है हमारा, इसको चेक करने के लिए n बाई आई है, और n बाई आई अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये i भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो पहले ही तक का चेक कर लो ना, पूरा चेक करने की क्या जरूरत है, ठीक है, ये चीज देखे थे। अब ये इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सिर्फ लेस देन इक्वल टू जो रूट लेस देन एन है, इसको हम लोग सिर्फ लेस देन इक्वल टू रूट एन कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर कोड। सिंपल सी चीज है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सिमिलर, कुछ हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं किए हैं, बस यहाँ पे क्या किया, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन, इसका मतलब यही है कि i लेस देन इक्वल टू रूट एन, ठीक है ना, ठीक है, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, ये चीज बस यहाँ पे ये चीज चेंज कर दी और हमारा कोड जो है हमारा बन गया। तो सेम चीज को ये वाला इसका हो जाएगा रूट ऑफ n, जो होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। मतलब हम लोग n से स्क्वायर वाले फंक्शन में लेकर के चले हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो सेम चीज को हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर, अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से जो अभी हमने समझा था वो चीज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन मेथड से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यूजर से इनपुट के लिए स्कैनर ले लेते हैं, स्कैन तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया है, एक सॉल्यूशन वन बनाया है जो सेम चीज कर रहा है जो अभी अभी हमने देखा। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोगों ने कॉल किया है इसको अगर सॉल्यूशन वन ऑफ ए, तो ये क्या है, अगर ये ट्रू रिटर्न करे, क्योंकि ये इफ ब्लॉक में है, इफ का मतलब ट्रू, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट करा देंगे नंबर इज प्राइम, नहीं तो नंबर इज नॉट प्राइम, इस तरीके से। तो इसको हम लोग जल्दी से इसको रन करके देखते हैं हमारा कोड किस तरीके से काम कर रहा है।
तो ये टाइम ले रहा है रन होने में। अब हम लोग देखते हैं एक नंबर जैसे कि 19, तो नंबर इज प्राइम क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आ रहा है। उसके बाद एक नॉन प्राइम नंबर को लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 45, तो 45 इज नॉट प्राइम, ये इस तरीके से आ रहा है। अब 2 को भी लेके देखते हैं कि 2 के लिए ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये 2, तो 2 हमारा प्राइम है, ठीक है। 1 के लिए भी देखते हैं कि ये वाला जो हमने अलग से कंडीशन लगाया था इन लेस देन इक्वल टू, वो काम कर रहा है कि नहीं, तो 1 इज नॉट प्राइम, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये वाला जो सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम लोग यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं कि फॉर सॉल्यूशन 1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ये इक्वल टू होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सेम काम करते हैं, इस बार हम लोग रूट एन वाले फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सेम चीज को हम लोग यहां पर से कॉपी कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन 2, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं आई आई मल्टीप्लाइड बाई आई कर देते हैं और लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। बस ये चीज अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन 2 को कॉल करेंगे, सॉल्यूशन 2 किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन 2 अब इसको राइट क्लिक करके फिर से रन करते हैं, ठीक है, देख लो एक बार सॉल्यूशन 2 फिर से, सेम चीज है, बस यहाँ पे हम लोगों ने ये लूप का कंडीशन चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा फॉर एग्जाम्पल 12, तो 12 इज नॉट प्राइम, ठीक है, और कोई दूसरा प्राइम नंबर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 11, तो 11 इज प्राइम, ठीक है, ये ठीक से काम कर रहा है यहाँ पर भी। सो ये है हमारा प्राइम नंबर और नॉट का कोड, इसको हम क्या करते हैं अब यहाँ पे राइट क्लिक करके गिट पे जाते हैं। अच्छा, गेट पे जाने से पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन 2 है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रूट एन है, ये भी तो लिखना चाहिए, ठीक है। सो फॉर सॉल्यूशन 2 जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है, एन कॉमा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि यह कोड हमारा कोई स्पेस नहीं लेगा। अब जल्दी से हम लोग इसको राइट क्लिक करके गिट कमिट कर देते हैं, कमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम और नॉट, ठीक है, कमिट एंड पुश, वार्निंग आएगा एक क्योंकि हम लोग 2 मेथड बनाए हैं और एक मेथड को यहाँ से कॉल किया है, सॉल्यूशन 2 को कॉल किया, 1 को नहीं किया, तो वो वाला वार्निंग आ रहा है जो हमारा चलेगा, ठीक है। अब पुश कर देते हैं, पुश करने के बाद हम लोग अपने ये हमारा पुश हो गया, अब हम लोग जाते हैं अपने गिटहब पे, ये वाला सारा मैथमेटिक्स वाला आपको मिल जाएगा इसकी। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं एक बार, तब आ जाएगा यहाँ पे प्राइम और नॉट दिख रहा है हमें, प्राइम और नॉट, ठीक है, ये वाला प्राइम और नॉट, ये देखो अभी अभी अपडेट हुआ है, नॉक लिखा के आ रहा है, जिस तरीके से हमने कमेंट मारा था सब कुछ एग्जैक्टली उस तरीके से आ रहा है। ये जो रिपोजिटरी की लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कोड देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।